बहालपुर के ग्रामीण लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कभी तो मेरे गांव में पानी आएगी। इसी गांव के रहने वाली सिमिर देवी ने बताया कि हमारे गांव में करीब 50 घर के लोग 300 लोग निवास करते हैं। यहां पर 2 चापाकल और 1 कुआँ है जो कि इससे एक भी बूंद पानी नहीं निकलता है। कुआँ तो अभी सूखा हुआ है और इससे कभी भी पानी नहीं निकलता है और जो चापाकल है यह सिर्फ 1 महीने बरसात के दिन में चलता है जिससे गंदा पानी निकलता है और काला भी निकलता है जिससे हम लोग पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। कुआँ में पानी नहीं है, चापाकल है 3 गो चापाकल है तो बिगड़ल है, पानी नहीं बिग रहा है। तो चापाकल चलता है भी और बरसात के पानी रहता है तो वही बरसात का पानी वही देता है, गंदा पीती उछल जाए खचोते खचोते तब हमारू भेज जाएंगे। तो अभी आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? लाते हैं आरोपुर के हरातर से लाते हैं, दूसरे गांव से। हाँ, दूसरे गांव से लाते हैं। कितना समय लगता है? 1 घंटा जाने 1 घंटा आने लगता है। तो उतना समय लगता है तो आप लोग को परेशानी क्या होता है? परेशानी है कि देखो नहाए पीछे में दिक्कत है, घर में कल आग लग गया, पानी चलते घर नहीं बताया हम लोग, जला जल गया दिक्कत हो कर उनका हमारे घर ने मकान न जर गए थी तो ये घर ये आग बुतावे लगी पानी नहीं भेटल थी। आप लोग सब संपत्ति हमारे जर गए, लुगा कपड़ा जर गए। कभी मुखिया को बोले थे आप लोग? मुखिया का तो 1 बार से 2 बार कहा है, नहीं कैसे कहा है, मुखिया देख के फिर गया है। आप लोग आधा पर से कुइयाँ कोची का है बनाया है, अब कहता है जंगलिया या एरिया है तो उन्हें कहाँ के लिए हम जाएंगे, तो बोलते हैं डरते हैं। अगर बहालपुर गांव में पानी रहता तो सिमी देवी के घर में आग बुझाने में सफल हो जाते। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुखिया का मोबाइल नंबर 9973-9625-31 पर फ़ोन कर समीर देवी और उसके समुदाय के बहालपुर गांव में पानी लाने में उनका सहयोग करें। मैं अमित कुमार, दिया जिला बिहार से, इंडियन हट।